हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और सॉरी, मेरी वीडियोस आजकल मैं लेट दे रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं और मैं आज आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, इमली की चटनी। जो मैंने आप लोगों को बोली थी चाट बनाने के टाइम पे, जो मैं हमेशा बना के रखती हूँ, उसी की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम के अनुसार इमली ले ली है। उसे मैं गर्म पानी में भिगा के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। तो एक घंटे बाद ये ऐसा है कि ये पल्प मैंने निकाल लिया है इमली का। और यहाँ पे मैंने एक ले लिया है फ्राई पैन। इसमें मैं पल्प पूरा डाल दूंगी। सिर्फ हमें इमली के बीज निकाल देने हैं, बाकी पूरा पल्प वहाँ पे रहेगा, इसी में रहेगा। ये ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पतली पानी जैसी। और यहाँ पे 200 ग्राम गुड़ है। तो अब मैं उसी के इमली के पल्प में गुड़ को डाल दे रही हूँ, 200 ग्राम गुड़ को। अगर आपको लगे कि आपके गुड़ के हिसाब से मीठा नहीं हो रहा है तो आप उसमें गुड़ के साथ चीनी भी डाल सकते हैं। पर मैंने जो गुड़ यूज़ किया था वो 200 ग्राम, वो ही इनफ था मुझे, और कुछ भी नहीं डालना पड़ा। गुड़ इतना ही मीठा था। मैंने इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया क्योंकि फ्राई पैन में बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून काला नमक डाल रही हूँ। उसी के साथ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून जितना। हम इसे अच्छे से उबलने देंगे। और उसी के बाद मैं 1 टीस्पून जितना हमारा जो नमक है, सादा नमक जो हम खाते हैं नॉर्मली, वो डाल दिया है। अब इसे मैं अच्छे से स्टर कर लूंगी। अच्छे से स्टर कर लेंगे और इसे उबलने देंगे। ये जितना है इसका 1/2 हो जाएगा उबलते उबलते, तब ये चटनी हमारी एकदम रेडी होगी। आपको खुद पता लग जाएगा कि ये इतना कम हो गया है। यहाँ पे ये उबल रहा है। ये उबलते उबलते अच्छे से, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो। मैंने इसे पतला रखा है, नहीं तो ये बहुत ही गाढ़ा हो जाता है ठंडा होने के बाद। तो अब जैसे मैंने इसमें गर्म में कंसिस्टेंसी रखी पतले में, इससे ज़्यादा वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और अगर आप ज़्यादा थिक करने जाएंगे तो वो ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगा। और अभी देखिए, मैंने जो चम्मच से देखा है आपको माप, वहाँ पर मैंने उतना था और उसकी कंसिस्टेंसी भी कितनी कम हो गई है उबल उबल के। तो इसे मैंने एक डब्बे पे निकाल दिया। ये देखिए थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो एकदम अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई है। तो यहाँ पे मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड कर दे रही हूँ। बस यही मसाले हैं और कोई मसाला मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत अच्छी। और ये छः महीना तो इस चटनी को कुछ भी नहीं होता है, फ्रिज में रख के हमेशा कभी भी समोसे चाट जो भी खाना हो आप सब खा सकते हैं। सॉस के बदले आप इस चटनी को खाइए, बहुत ही अच्छा है, घर का बना हुआ है।
तो ये देखिए बहुत ही अच्छी खट्टी मीठी चटनी एकदम रेडी है बनके मिली की।